खुदामंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराए राशो फज़ल रबी में खुश आमदीद कहते हैं खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं उसने फिर से ये मौका आज हमें दिया है कि उसके कलाम की बातों पर गौर और ख़ौज कर सकते हैं सीख सकते हैं सवाल और जवाब सीखने का एक तरीका है और ज़रूर है कि सवालत उठाए जाएँ और कला खुदा की रोशनी में उनके जवाब जब हम तक पहुँचे तो हम कलाम खुदा को कबूल करने के लिए कायल हों और दुआ करें ताकि खुदा हमारे जहनों को खोले प्रोग्राम फ़जल रबी में हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह से किसी भी मजहब की या किसी भी मजहब की मुकदस सस्तियों का एहतराम हमेशा मलहूज़ खातिर रखा जाए और ये तालेमी और तहक़ीकी बातें हैं और हम इल्म तफसीर की रोशनी में <coughs> सीखने के रवैयों में इन बातों पर गौर करें हमारे एक मुसलमान भाई हैं उन्होंने मोहम्मद इसरार साहब उन्होंने कुछ महीने पहले एक आयत पर सवाल उठाया था लूका की अंजील और उसकी उनचासवीं आयत पर मजिएगा और इसमें उन्होंने लिखा था कि यसु मसीह ये कहते हैं मैं ये आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर जो उन्होंने लिखा है उस पर भी बात करेंगे लूका की अंजील बारवा बाब है और उसकी उनचास आयत और बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाई ये आयत अक्सर कोट करते रहते हैं इकतबास करते रहते हैं यहाँ पर लिखा है मसीह बात कर रहे हैं मुख्तलिफ अगर आप ग्यारहवें बाब से देखें तो फकियों और फरीसियों के साथ बात शुरू होती है फिर आगे वो रियाकारी की बात करते हैं किस से डरना चाहिए उसकी बात करते हैं फिर वो मिसाल देते हैं एक बेवकूफ की उसके बाद आसमान पर जो ख़ज़ाना मिल सकता है इंसानों को ख़ुदा की तरफ से और फिर ज़मीन पर जो खुदा के कामों के माफ़ कीजिएगा मुख्तार हैं नौकर हैं उनके बारे में और फिर आगे जब आते हैं तो यसु मसीह तफरका की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये आयत है 49 नाइन मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता मसीह फरमा रहे हैं मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता अब जो भी लोग इल्हामी कुतुब का मुतालिया करते हैं ज़रूर है कि इस बात को याद रखें कि जो मुखातिब है वो कौन है और मुखातबीन कौन है जिस दौर में ये बात की जा रही है बात करने वाला कौन है और किन के साथ बात की जा रही है और हमें जब कुतुब को पढ़ते हैं तो फिर हमारा रवैया पढ़ते हुए क्या होना चाहिए सीखने वाला है या तनकीद करने वाला है फक्त इल्ज़ाम लगाना है या हमें जवाब ढूंढने हैं और जो असल मतलब और मकसद बयान फरमाया गया है उसको जानने की कोशिश करनी है तो आइए एक मिसाल देखते हैं दुरुस्त रवैया जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो क्या समझते भी हैं और अगर नहीं समझते तो फिर रवैया क्या होना चाहिए आइए इस ताल्लुक़ से अमाल की किताब में हमें बहुत अच्छी एक मिसाल मिलती है और आज उसी से आगाज़ करेंगे इस मौजू के तालुक से अगर आप बात करना चाहें तो मौजू के लिहाज से सवाल कीजिए बात कीजिए हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है तो सीखने जब कोई शख्स पढ़ता है तो क्या वो समझता भी है और अगर नहीं समझता तो फिर समझने के लिए क्या रहनमाई फरमाई गई है कलाम में लिखा है ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि हमारे लिए सबक ठहरें तो आज क्या सबक है जब भी कोई शख्स बाइबल को पढ़ता है इल्ज़ाम तनकीद के ताल्लुक़ से तो फिर दुरुस्त रवैया क्या होना चाहिए आइए देखते हैं ये अमाल की किताब है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे माफ़ कीजिएगा आठवें बाप से फिर खुदामंद के फरिश्ता ने फिलिपस से कहा कि उठ कर दक्कन की तरफ उस राह तक जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है वो उठ कर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था वो हबशियों की मलका कंदा का एक वजीर और उसके सारे ख़जाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था वो अपने रथ पर बैठा हुआ यसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था रू ने फिलिपस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले बस फिलिपस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है उसने कहा यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे और उसने फिलिपस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ अब यहाँ पर हम देखते हैं ये एक शख्स है जिसको कहा गया है कि ये मलका के खजाने का मुख्तार है और हम देखते हैं कि ये इबादत के लिए यहाँ पर आया है यरूशलेम में और बड़े ओहदे पर फाइज है और ये पढ़ रहा है तो इससे हम ये सीखते हैं कि लोग इबादत कर सकते हैं दिल अच्छा है इरादा अच्छा है बड़े ओहदे पर बाबरकत शख्स सरफ़राज शख़्स भी हो सकता है और उसके अंदर शौक़ भी है कि वो पढ़े तो मैं शुक्रगुजार हूँ असरार आ, साहब का जो शायद उन्होंने पढ़ा है या कहीं से सुना है इस आयत के बारे में तो बेहतर था कि वो ख़ुद भी पढ़ते और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शख्स जब इसकी मुलाकात इस शख्स से होती है फिलिपस से और वो उससे पूछता है जो कुछ तू पढ़ता है <coughs> उसे समझता भी है चूंकि समझ के बगैर जो बातें हैं वो खुलती नहीं भेद ही रहते हैं और जब बातें खुल जाती हैं भेद खुल जाते हैं सवालात के जवाब मिल जाते हैं तो हम बलुगत पाते हैं और बातों को समझ कर बाबरकत होते हैं तो यहां पर वो कहता है कि जब तक कोई मुझे हदायत ना करे मैं कैसे ये समझ सकता हूँ और वो उसको कहता है कि फिर मेरे पास आ जा और बैठ अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है यसाया नबी का वो सहीफा पढ़ता था अब अल बकरा को अगर आप देखें और उसकी एक सौ छत्तीसवीं आयत तो मैं आपके लिए ये पढ़ भी देता हूँ सूर्य अल बकरा है और उसकी एक सौ छत्तीसवीं आयत है सहीफों की बात की जा रही है तो यहाँ पर वो यसाया के सहीफ़े को पढ़ रहा है और जब सहाइफ़ की बात की जाती है तो ज़रूर है कि हम सहाइफ़ के ताल्लुक़ से जो कुछ जबूर तरेत और अंजील में मौजूद है और फिर अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो ज़रूर है उसमें भी देखें अब आइए देखते हैं यह शख्स ये साया का सहीफा पढ़ रहा है और अल बकरा उसकी एक सौ छत्तीसवीं आयत बहुत अहम है इस तालुक से मुसलमानों कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया और उस पर भी जो इब्राहिम, असमाइल इसहाक याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया और उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ दूसरे पैगंबरों को किसकी तरफ से अता हुआ परवरदिगार की तरफ से खुदा की तरफ से हम इन पैगंबरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम उसी एक खुदा के ताबे फरमान हैं तो यहां पर लिखा जो दीगर अंबिया को भी सहाइफ दिए गए और फिर लिखा है ईसा को मूसा को सहाइफ दिए गए याकूब ये खुदा के बंदों के नाम हैं कि उनको सहाइफ दिए गए हैं और जब हम पत्रस के खत को देखते हैं तो उसमें इस बात को खोला गया है और ज़्यादा दूसरा पतरस का खत है और उसकी 20वीं और इक्कीसवीं आयत है और पहले ये जान लो जानने के ताल्लुक़ से है कि अगर हमें जानना है तहक़ीक़ करनी है तो सहाइफ़ दिए गए हैं ख़ुदा की कुतब हमारे पास हैं तो जब खुदा का वंदा पत्रस ये कहता है तो कहता है बीसवीं और इक्कीसवीं आयत दूसरा पत्रस का खत है और पहले यह जान लो कि किताब मुकदस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई बल्कि आदमी रूहुल कुछ की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे तो जब भी सहीफों की बात होगी ये जान लो कि जो कुछ किताब मुकदस में खुदा के कलाम में लिखा है वो इंसान की अपनी ख्वाहिश से नहीं है सोर्स मंबा, जरिया बयान फरमाया गया है कि फिर वो किस तरह से है लिखा है बल्कि आदमी तमाम ये इंसान जिनको खुदा ने बुलाया इस मनसब पर फ़ाइज किया वो रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से खुदा के नुमाइंदा के तौर पर खुदा का मुंह दूसरे अल्फाज में बनकर बोलते थे तो इससे मुराद ये हुई कि ये जो सहाइफ़ हैं ये जो कलाम हम तक पहुंचा है ये खुदा का कलाम है और इसको कुद्स ने हम तक पहुंचाया है तो अगर हम इस कलाम को पढ़ते हैं समझते नहीं तो फिर कोई है जो हमें हदायत करे तो ये हदायत कैसे मिलती है ये मदद कहाँ से मिलती है इसके ज़राए अभी हमने देखे कि रुहुल कुद्स हैं जो हमें सिखाता है खुदा रुहलकस कुछ लोग मानते हैं कि रुहुल कुछ जनाब जबराइल हैं उनकी अपनी समझ है अपनी तालीम है लेकिन कलाम खुदा की रोशनी में जब रुहुल कुस्स की बात की जाती है तो खुदा बाप है बेटा है रुहुल कुस है तो रुहुल कुस खुदा के कलाम को लिखवाने वाला है रूहल कुछ खुदा है इस पर पहले भी हमने कुछ शो किए हैं आप वो देख सकते हैं जिसमें हमने आ, अकीद तसलीस बड़े वाज तौर से बयान किया है हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे सीखें तो इसके लिए कलाम खुदा ही से देखते हैं कि जो सीखने का ज़रिया दिया गया है वो हमारे पास क्या है कैसे सीखें लोग उलझाव का शिकार हो जाते हैं जो कुछ सुना है या कहीं पढ़ा है उसी को कबूल कर लेते हैं कोशिश नहीं करते तो आइए देखते हैं योहाना की अंजील में सीखने के ताल्लुक़ से हमें क्या तालीम दी गई है जो मेरे मुसलमान बहन भाई शो देख रहे हैं आइए हम पढ़ते हैं योहाना की अंजील बाब चौदह है और चौदह से सोलह अब जो हैं वो अक्सर हमारे जो मुसलमान मुबलगिन हैं स्कॉलर्स हैं वो इसको कोड करते रहते हैं इकतबास करते रहते हैं लेकिन मददगार यानी रोहुल कुश जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा तो सीखने के लिए यहाँ पर जो हमें जरिया दिया गया है खुदामंद यसूअल मसीह सऊद फरमाने वाले हैं पस मंज़र ये है इन आयात का और वो ये फरमा रहे हैं कि अब मेरी जगह पर जो तुम्हें सिखाएगा वो रुहुल कुस वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा अब रुहलकुस किस तरह से याद दिलाएगा किस तरह से सिखाएगा खुदा का बंदा सुलेमान अपनी किताब इमसाल में 20वां बाब और उसकी चौबीसवीं आयत में यह सवाल उठाता है इंसान अपनी राह किस तरह जान सकता है और इसमें यह भी शामिल कीजिए कि खुदा की राह जो उसे इंसान को खुदा तक लेकर आती है उसे कैसे जान सकता है यह सवाल है और इसका जवाब 27वीं आयत में खुदा का बंदा सुलेमान देता है और वह कहता है कि आदमी का जमीर खुदा का चराग है आदमी का जमीर खुदा का चराग है रोशनी है जो खुदा की तरफ से उसे दी गई है शौर है जो सोचता है और फैसला करता है कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है क्या बराई है क्या अच्छाई है और मदद करता है इंसान के उसके फैसला करने में और यहाँ पर खुदा का बंदा सुलेमान ये कहता है कि खुदा जो इंसान का ज़मीर है वो खुदा का चराग है और कुद्स इस ज़मीर को रोशन करता है ताकि इंसान खुदा की बातों को समझ सके और क्रंथियों के ख़त में पालूस रसूल ने बहुत वाज तौर पर लिखा कि रुहुल कुछ तह की बातें जानता है और यहाँ पर अगर आप चौदवें बाप से सोलवें बाप योहाना में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है वो तुम्हें आने वाले वक्त की भी खबरें देगा और फिर ये भी लिखा है पिछले अबवाब में आठ से दस अबवाब तक आएँ तो रुहुल कुछ तुम्हें गुनाह के बारे में रास्त के बारे में अदालत के बारे में सिखाएगा तो सीखने के लिए खुदा के कलाम को पहला जो हमें जरिया यहाँ पर बयान फरमाया गया है वो ये है कि हम खुदा रुहुल कुस को पुकारें कि वो हमारी रहनुमाई करे और योना की अंजील आठ से दस अब में आप पढ़ें तो लिखा है रुहुल कुस दिया गया है गुनाह के बारे में समझ दे खुदा की अदालत के बारे में समझ दे और फिर रास्तबाजी जो खुदाई रास्तबाजी है वो कैसे हासिल हो सकती है उसके बारे में समझ दे तो कुस हमें दिया गया है ताकि हम सीखें दूसरा जो जरिया दिया गया है जब भी कोई सवाल उठता है वो है असातजा के खत के चौथे बाब की ग्यारहवीं आयत में है और उसी ने खुदा ने बाज़ को रसूल बाज़ को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दिया है और किसी सूफी बुजुर्ग ने कहा था बिना हाथ पोरिया पोरिया उस्ताद इसलिए दिए गए हैं ताकि वो खुदा के कलाम की वो बातें जो उन, उन्होंने सीखी हैं जो उन पर रोशन की गई हैं वो हमें सिखा सकें तो जब ऐसी आयात जिनकी समझ नहीं आती जा पढ़ते हैं तो ऐसे इस के पास जाना चाहिए जिन्होंने बाइबल मुकदस का इलम पाई है सीखा है कहीं से और वो फिर आगे सिखाते हैं और शागिर्द वही बना सकते हैं जो पहले खुद शागिर्द बने हुए हैं तो इस दिए गए हैं जरूर है कि लोग सवाल जब आता है तो वो पहले रुहुल कुछ से पूछें कि हम पर बातों को रोशन करें हमारे जहन को जमीर को रोशन करें ताकि खुदा की बातों को हम समझ सकें दूसरे नंबर पर हमारे पास उस हैं जिन्होंने बाइबल मुकदस की तालीम हासिल की है दीगर इल्मे, इलाही की जो मुख्तलफ़ल हैं वो सीखे हैं तो उनके पास जाना चाहिए रजू करनी चाहिए इससे पहले के तनकीद या एतराज़ उठा दिया जाए पूरी दुनिया में शोर मचा दिया जाए समझने की कोशिश करनी चाहिए और आज कल हम देखते हैं कि जो तीसरा जरिया हमारे पास हो सकता है वो ये है इस नहीं मिल रहे और रूहुल कुछ के साथ आप रताता नहीं करना चाहते तो फिर दुनियावी तौर पर अगर आप इलम ही हासिल करना चाहते हैं तो आजकल इंटरनेट की मुख्तफ <coughs> वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं जिन पर जो बाइबल की तफासिर हैं वो उर्दू ज़ुबान में भी हैं इंग्लिश में भी हैं दीगर ज़ुबानों में भी हैं तो ज़रूर हैं आप मुख्तलिफ तफासिर को पढ़ें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप पर बात खुल जाएगी तो ये तीन ज़राए मैंने आप तमाम अहबाब के सामने रखे ख़ास तौर पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हिंदू या सिख या दीगर मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अंजील की मुख्तलिफ आयात को समझ नहीं पाते और वो ये समझते हैं कि इसका मतलब ये है जो किसी शख्स ने बताया है और वो उसी को कबूल कर लेते हैं कि यसु मसीह आग लगाने आया है और वो चाहता है कि दुनिया में आग से मुराद तशद हो कत्ल उगारत हो तो ऐसा ही ऐसी बात है तो ऐसी तो बात नहीं है अभी हम इस पर इस बात को भी खोलेंगे असल मतलब क्या है अब देखते हैं कि मसीह जब बात करते हैं तो उस दौर के लोग भी उन बातों को उस तरह से नहीं समझ पाते थे ये एक बात है हमारे साथ जो इंसान हैं लेकिन जब समझना चाहते हैं बात खुल भी जाती है तो भी ना समझना चाहें तो अलग बात होती है आइए देखते हैं कि मसीह जब बात कर रहे हैं उनके पीछे मकसद ये है कि लोग उस बात को समझें जो उनके सामने रखी गई है तो मिसाल के तौर पर देखते हैं मसीह अपने आने का मकसद जब बयान करते हैं तो फिर उस वक्त लोगों का रद्द क्या होता है लूका की अंजील से ही पढ़ेंगे चौथा बाब है और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआ, मुआफ़िक्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंत का मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंदो को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदामंद के साले मकबूल की मनादी करूं और फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी हुई थी और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नवश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ आप पहले के इस पर बात करें आइए इसका पस मंज़र देख लेते हैं इसका पस मंज़र येसाया की किताब बाब है वहाँ पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं खुदामंद खुदा की रूमूच पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊँ और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसली दूँ कैदियों के लिए रिहाई और सीरी के लिए आजादी का ऐलान करूं ताकि खुदावन के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तेहार दूं और सब गमगीनों को तसल्ली दूं। अब लू की अंजील में जब हम देखते हैं यसूल मसीह कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं खुदा का रू मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है और क्राउड जो है वो सारा सुन रहा है देख रहा है और यीशु मसीह कहते हैं कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ अब जब वो कह रहे हैं कि खुदामंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि मैं खुशखबरी की मनादी करूं और यह नविता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है अब यहाँ पर जो लोग सामने बैठे हुए हैं ये इस नविश्ते से इस हवाले से वाकिफ हैं कि ये जो हवाला है ये मसीह मसाया के ताल्लुक से है कि वो आएगा अब ये सुल मसीह उनके सामने आए और इस हवाले को पढ़ा और कहा कि ये जिस शख्सियत की निशानदही करता है आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और ये तुम्हारे सामने पूरा हो गया है अब यहां पर बात जो वाजे हमें देखने वाली है कि जो सामने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मसीह की मुखालफत आप ये हवाला पढ़िएगा शुरू कर दी कि यह कैसे हो सकता है अब इसमें वजह क्या थी पस मंजर क्या था कि जो असल तस्वूर था मसाया के बारे में वो किताब मुकदस में तो मौजूद है लेकिन इसके साथ साथ वक्त गुज़रने के साथ साथ इस मसीह के तस्वर को मुख्तलिफ इस ने अपनी अपनी अकल की रोशनी में इसकी तावीलें बनाईं तशरी की और लोग उन्हीं जो कुछ तफसीर उन्होंने कर रखी थी तालीमात का हिस्सा बना रखा था वो उन तलीमत की रोशनी में देख रहे थे कि मसाया आएगा मिसाल के तौर पर वो उस वक्त यहूदी कौम रोमी सल्तनत के तसलत में थी और उनको ये तालीम दी गई थी मुख्तल उस के जरिया से कि मसीह जो आएगा वो रोमी हुकूमत से उनको छुड़ाएगा अब ये तालीम थी आम जो उस वक्त तस्वर था कि वो फ्रीडम फाइटर होगा आजादी दिलाने वाला होगा और जब येसु मसीह ने कहा कि यह नविश्ता पूरा हुआ तो उनके लिए कबूल करना मुश्किल था इससे मुराद ये है कि जब खुदा के कलाम की बातें जो किताब मुक़दस की रोशनी में हैं आज भी लोगों के सामने पेश की जाती हैं तो जो उनका माइंड जहन बन चुका है मुख्तलफ उस मकबा फ़िक्र की तालीमात की रोशनी में वो उसी जहन में इन बातों को समझना चाहते हैं और जब बात उन पर खुल भी जाती है मसीह ने कहा यह नविश्ता पूरा हुआ लेकिन वो मुखालफत पर उतर आए और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आज भी किताब मुकदस की रोशनी में चीज़ों को जो लोग नहीं देखते वो आज भी ऐसा ही करते हैं कि वो अपनी तालीमत जो उनके जहन तक पहुँची हुई हैं उनकी रोशनी में इन हवाला जात को किताब मुकदस को फिट करना चाहते हैं कि ये जो हमारी तालीम है उसके मुताबिक ढल जाए लेकिन खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरग ना टलेंगी हमें उन बातों को उस तरह से कबूल करना है जिस तरह से ये मुकाशफा हम पर खोला गया है तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि जब आज ये बातें आप तक पहुंचेंगी तो फिर ज़रूर है कि हम कलाम खुदा को वो जगह दें अपनी ज़िंदगी में जो खुदा हमसे चाहता है अब अगली बात हम देखते हैं क्या यसु मसीह ने या उनके शागिदों ने कभी किसी को जलाया तारीख से कोई मिसाल जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई और जो खास तौर पर एतराज़ करने वाले हैं या दीगर मज़ाहब में भी लोग हैं मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि कभी हिस्ट्री में या इलामी कुतब में यसु मसीह ने या उनके शागिर्दों ने किसी शख्स को कत्ल किया हो या आग में इस आय के मुताबिक जिस पर जोर दिया जाता है किसी को आग से जलाया हो अगर सरार साहब जो हैं ये देख लेते बारवें बाब से पीछे नौवें बाब में तो शायद वो ज्यादा बेहतर तौर से समझ सकते थे इस बात को आइए देखते हैं बारहवें बाब में मैं आग लगाने आया हूँ और यहां पर देखते हैं नौवें बाब में क्या मसीह और उनके शागिर्दों ने किसी को आग से जलाया <स्थिण> जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे वो जाकर साम्रियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था यह देख कर उसके शागिद याकूब और योहाना ने कहा ए खुदामद <स्थिण> क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे जैसा एलिया ने किया मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का मैं तमाम दुनिया के लोगों से यह दरखास्त करना चाहता हूं खासतौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं यहां पर देखें शागिर्द कह रहे हैं खुदावंद क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे शागिर्द कह रहे हैं जवाब सुनिए खुदावंद अल मसीह, खुदाए मोहब्बत का जवाब मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रुके के हो क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है फिर वो किसी और गांव में चले गए अब मैं चाहता हूं कि तमाम हमारे मुसलमान बहन भाई इस आयत को याद रखें नवा बाब है लूका की अंजील का शागिर्द कह रहे हैं अगर तू चाहता है तो आसमान से आग नाजिल हो और इस गांव को भस्म कर दे ख़त्म कर दे तबाह कर दे लोग मार दिए जाए लोग जला दिए जाए लेकिन खुदाए मोहब्बत, खुदा मंद अल मसीह का जवाब यह है कि उसने उन्हें झिड़का और आज भी यही जवाब है हर एक शागिर्द के लिए पूरी दुनिया में जो ये कहता है कि वो यीशु मसीह का शागिर्द है उसके लिए भी आज ये झिड़की है अगर कोई भी उसका शागिर्द इस तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहली बात आपने फरमाई क्या तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो ये रूह जो तुम्हें बख्शा गया है ये रूह जिंदगी देने वाला है दूसरों को बचाने के लिए खुद इस काबल हमें कर देता है कि दूसरों को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देना पड़े उनका कोई भी मजहब है उनका कोई भी रंग है वो किसी भी खिते में रहते हैं अब यहां पर यह है कि उन्होंने कबूल नहीं किया लिखा है उन्होंने उसको टिकने ना दिया वो इस कदर मुखालफत से भर गए दुश्मनी से भर गए कि उन्होंने धकेलना चाहा कि वो इस इलाके को छोड़ दे कोई कबूलियत नहीं है मुखालफत है दुश्मनी कर रहे हैं लेकिन शागिर्द कहते हैं कि आग आए लेकिन मसीहा यह कहते हैं उनको झिड़कते हैं लोगों को नहीं झिड़का जो मुखालफत कर रहे हैं जो कबूल नहीं कर रहे उनको गुलाम नहीं बनाने के लिए कहा गया आग जलाने के लिए नहीं कहा गया कि आग आए और जला दे बल्कि शागिर्दों को झिड़का कि तुम्हारा काम जिंदगी है मुआफी है मोहब्बत है क्या तुम नहीं जानते जो खुदा का रूह तुम्हारे बातन में बसता है वो जिंदगी मुआफी और बहाली और कबूलियत का और रूह है और फिर कहा मेरा एजेंडा क्या है मेरा मकसद इस जमीन पर क्या है कि मैं लोगों की जान को बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया हूं और इस हवाले का भी मंजर देख लीजिए ये सलातीन की दूसरी किताब है और यहां पर हम पढ़ते हैं पसमंजर जो जब शागिर्द ये कह रहे हैं तो पसमंजर क्या था उनके जहन में ये एलिया के बारे में दूसरी सलातीन की किताब में से हम देखते हैं एलिया ने उस पचास के सरदार को जवाब दिया आप ये पूरा बाब पढ़ सकते हैं अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे और तेरे पचासों समेत भस्म कर दे बस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके पचासों समेत भस्म कर दिया फिर उसने दोबारा पचास सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके पचासों सिपाहियों समेत उसके पास भेजा उसने उससे मुखातिब होकर कहा अः मर्दे खुदा बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतर आ अब ये पस मंजर है शागिर्दों के जहन में कि आग आई और ये जो सिपाही और उनका सरदार साथ था इनको फसम कर दिया वो मर गए अब शागिर्द यही चाह रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह भी ऐसा ही करें लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि इबन आदम इंसानों को हलाक करने के लिए नहीं आया और योना की अंजील में बहुत वाजे है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाए और जब हमने वो पिछला हवाला देखा जिसमें कहा कि खुदामंद का रू मुझ पर है उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दू जो बीमार हैं उनको शिफा दू खुदा के साल मकबूल की मनादी करूँ इन तमाम आयात से मुराद ये है कि मेरे आने का मकसद यह है कि जो लोग गुनाह की क़ैद में हैं अबलीस की कैद में हैं उनको रिहाई दूँ और जब वो कहते हैं खुदा के साल मकबूल की मनादी करूँ तो इससे मुराद साल जोबली है यहूदियों में यह तस्वर पाया जाता था सा, सातवां साल और उनचासव साल जब लोगों के कर्जे मुआफ़ कर दिए जाते थे बहाली हो जाती थी गुलामी से भी लोग निकल आते थे तो ये है कि जो इंसान अपनी मेहनत से नहीं करके छूट सकता था खुदा ने उसका सबब बनाया था और मसीह कह रहे हैं कि गुनाहों की माफी खुदा से मलाप अबलीस से आज़ादी जो मजाहब सख्तियों और असूलों और जबतों से तुम पिसते जा रहे हो न हो चुके हो मैं आया हूं मैं वो रहा हूं इसीलिए आपने फरमाया था कि राहक और जिंदगी मैं हूं कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता तो ये बातें खुदाव योल मसी जब कर रहे हैं तो जरूर है कि हम ये देखें कि उन बातों का पसमंजर उस वक्त लोगों ने कैसे समझा था और आज हम कैसे समझ सकते हैं तो आइए एक अगली जो आयत है वो हम देख लेते हैं ये मज़ामीने क़ुरान में से जो आयत हैं वो हम देखेंगे और ये अल अलमादा है और उसकी एक सौ दसवीं आयत है यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह बातें करते थे यहूदी नहीं समझते थे और आज भी जब उनकी बातें हैं लोग नहीं समझ रहे तो यहाँ पर सूर्यमादा में बहुत खूबसूरत अंदाज से इस बात को हमारे सामने रखा गया है आइए देखें कि मसीह की बातें जो हैं वो कैसे हम तक पहुंचती हैं और वो किसकी बातें हैं जब अल्लाह कहेगा ईसा इब्ने मरियम मेरा एहसान याद कर जो मैंने तुझ पर और तेरी माँ पर किया था जब मैंने रूहुल कुद्स से तेरी मदद की अब याद रखिए जो बातें हैं वो कौन मुखातिब कौन है तू लोगों से गोद में बोलता था और बड़ा होकर भी और आगे देखिए और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तोरे तो अंजील सिखाई थी बात हम कर रहे हैं अकवाल अकवाल यीशु मसीह यीशु मसीह की तालीम तो यहां पर आज गौर करने की बात है हम सब के लिए जब अल्लाह कहेगा और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तोरे तो अंजील सिखाई तो गौर कीजिए सूरह अलमायदा 110 है अरबी में पढ़ लीजिए उर्दू में तर्जमा देख लीजिए और जब मैंने बरह रास्त सिखाने वाला और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तोरेत अंजील सिखाई तोरेतो अंजील सिखाई तो सिखाने वाला कौन है इस आयत की रोशनी में जो बात वाजे है और युहाना की अंजील का आठवां बाब अगर पढ़े तो यूहाना ने इस बात को खोला है और वो कहता है जब वो लिखता है यशुमसी फरमान फरमाते हैं जो कुछ मैं बाप से सीखता हूं वही तुम्हें सिखाता हूं यूहाना की अंजील आठ में में जो कुछ मैं बाप से सीखता हूं वही तुम्हें सिखाता हूं तो यहां पर आज मैं आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह की बातें इस आयत की रोशनी में किसकी बातें हैं जब अल्लाह कहेगा जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तोरे तो अंजील सिखाई बहुत से लोग कहते हैं जी तोरे तो अंजील बदल चुके हैं तो यहां पर वाज तौर पर लिखा है कि ये किसका कलाम है इस आयत की रोशनी में और सूरा छ अगर आप देखें और उसकी एक सौ पंद्रहवीं आयत देखें उसके बाद लात काफी ज्यादा आयात हैं ला तदात तो नहीं कहूंगा बहुत सी आयात हैं जो मैं दे सकता हूं वहां पर लिखा है सूरत छठी और उसकी एक सौ पंद्रहवीं जो खुदा का कलाम है किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उसको बदल सके तो पहली बात जो मसीह की बातें हैं आज गौर से सुनिए जितने खास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं और मसीही भी कि जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हमारे पास आकर कहते हैं जी बाइबल बदल गई है तुरेत बदल गई है तो यहां पर इस आयत में वाजे है जब अल्लाह कहेगा जब मैंने तुझे किताब और और तोरेतो अंजील सिखाई हिकमत खुदाई हिकमत और तरेतो अंजील सिखाई तो सिखाने वाला यहां पर कौन है बर रास्त सीखना तो यशुमसी की बातें खुदा की बातें इस आयत की और रोशनी में चूंकि खुदा जब कहता है तो खुदा की बातों के दो मतलब और माने नहीं होते अब यहां पर वाजे है मैंने रूहुल कुछ से तेरी मदद की और फिर नीचे लिख दिया गया है ये वाजे है हमारे पास पढ़ लीजिए आप घरों में कि मैं तुझे सिखाऊंगा तो मसीह की बातें जब हम इंसानों तक पहुंची हैं तो वो इस आयत से साबत है कि खुदा की बातें हैं खुदा है जो वो बातें पहुंचा रहा है खुदामंद अल मसीह के वसीला से और जब जो वो ये कहते हैं मसीही खुदामंद मानते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं लेकिन जो बातें हैं क्या वो मानते हैं या नहीं यह सवाल तो है मसीह कह कहकर ताबेदारी करते हैं बातें मानते हैं मलाकी की किताब में वाज तौर पर खुदा ने यह बात की थी अगर मैं आका हूं अगर मैं बाप हूं मेरी ताबेदारी मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी कहां कहाँ है ये एक निशान है सवालिया निशान मलाकी की किताब आखिरी किताब है उसमें खुदा ये कहते हैं कहते हैं अगर मैं आका हूं मैं बाप हूं मेरी ताबेदारी मेरे अहकाम पर चलने के लिए जो मैं तकाजा करता हूं उसमें तुम तोले गए हो कहाँ किस हद हाँ तक पूरा उतरते हो तो यहां पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आग लगाने आया हूं तो यहूदियों से मुखातिब हैं और यहूदी जैसा पहले प्रोग्राम में कहा था कि कलाम को भी आग कहा गया है तो अगर आप मलाकी की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत देखें और याकूब की किताब और उसका तेईसवा बाब और उसकी दसवीं आयत देखें तो मलाकी की किताब में लिखा है कि खुदा पाक साफ करेगा अयूब की किताब तेईस दस में है जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊँगा जब मसीह कह रहे हैं कि मैं आग लगाने आया हूं तो वो कलाम की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नाखालसपन खुदा के कलाम से मुतजाद तालीमत और रसूमात और रवैये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं उनको जो नाखालसपन है उसको दूर करने के लिए आया हूं आग लगाने के लिए आया हूँ खुदा के कलाम में तुम ढल जाओ उसके लिए आया हूँ हमारे साथ एक कॉलर हैं इनसे बात करते हैं फिर बात को यहीं से जारी रखेंगे जी बर शो फजल रवि में खुश कहते हैं बात कीजिए आप ऑन एयर हैं आफर हो जी बहुत शुक्रिया आपकी भी सलामती हो बात कीजिए आप ऑन एयर हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है बड़ी दिलेरी मिलती है आपके सलाम करने से है की का। जी बहुत शुक्रिया आपने ये अल्फाज बोले हैं और मैं ये जो दलेरी है ये रोहल कुस की दलेरी है ये जो काम कर रहे है ये खुदा रोहल कुछ की मदद से है सो सारा जलाल खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा कुछ को मैं देता हूँ खाक और राख इस काबल नहीं के खुदा उनको इस्तेमाल करे लेकिन ये मसीह यसु की बदौलत रहम है खुदा का जो हम पर हुआ है और मैं शुक्र गुजार हूँ खुदावंद का और आप तमाम अहबाब का जो दुआ करते हैं कोई और बात आप करना चाहें शो के तालुक से

और मैं सिर्फ़ हम्बली ये कहूँगा ये साया ने कहा था आ, एलिया ने कहा था कि मैं अकेला ही हूँ लेकिन खुदावन ने कहा था कि बहुत से हज़ारों अभी बाकी हैं तो बहुत शुक्रिया आपने मेरी तारीफ़ जो की है ये मैं खुदावन को सारी तारीफ़ देता हूँ मैं इस लायक ही नहीं कि मैं ये ख़िदमत कर सकूं ये सिर्फ उसका फ़ज़ल है उसका करम है उसका रहम है उसका तर्स है और मैं सारा जलाल खुदामंद को देता हूँ और खुदा ने मुख्तलिफ़ में अपने बहुत से खादम रखे हुए हैं क्योंकि रुहल कुछ है जो खादमों को इस्तेमाल करता है जो अपने आप को मुहैया करेगा रुहल कुछ के लिए और इसके लिए पिछले दिनों खुदा ने जब मेरे साथ कलाम किया तो उसने कहा कि ये जो ख़दमत है ये भाई खालिद साहब खुदा ने कहा यह सच्चाई की खिदमत है और सच्चाई के रूह में अगर कोई चलेगा तो खुदा उसको इस्तेमाल करेगा बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है जी हम बात कर रहे हैं मसीह की बातों को समझना और तो जब मसीह कह रहे हैं मैं आग लगाने आया हूं तो यहूदियों के लिए यह तस्वुर आम फहम था वो जानते थे कि क्या बात कर रहे हैं और यहां पर जो खालिश करने की बात है आग जो है वो खालिश करती है हमारे साथ एक और कॉलर है इनसे बात कर लेते हैं फिर बात को आगे बढ़ाएंगे जी आपको खुश आमदीद कहते हैं जी खुश आमदीद कहते हैं ब्रायराज शो में बात कीजिए आप ऑन एयर हैं जी आपकी भी सलामती हो बात कीजिए आप ऑन एयर हैं मैंने पिछले हफ्ते आपसे सवाल किया था अल्लाह के बारे में आपने मुझे कुरान और कुछ किताबों का नाम बताया था कि पढ़े बिल्कुल तो पढ़ी आपने वो किताब किताब तो मैं नहीं ले सका कुरान अच्छा इसके लिए मैं तो बातें मैं तो बाते है मुझे तो मुझे से कहते हैं कि नहीं। नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो चाहिए कि ने जो में करें। अच्छा, पहले तो जो आपका जी जी बात कीजिए आगे ये ईमान वालों जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गयी जी और उनको उन, तो उन पार्षदों को दोस्त मत बनाओ ये अभी ये तीन बातें नए क्या समझने की जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है जरा दोबारा आहिस्ता बोलिए क्या आप बात करना चाहते हैं जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो का की सूरत है तो ये जो ऐप जो एक है सितारा ने इसमें लिखा है कि ए ईमान वालों जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थी और लोगों को और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारी दीन को हसी और खेल बना रखा है दोस्त मत बनाओ अच्छा दोस्त मत बनाओ ठीक है ये अभी अच्छा अभी इसका जवाब अथरिए एक सेकंड एक सेकंड इसका जवाब ले लीजिए इसका जवाब अलमाईदा की 82 पढ़ लीजिए उसमें ये जवाब है अलमाईदा की 82 पढ़ लीजिए उसी में इसका जवाब है ठीक है और वहां पर लिखा हुआ है दोस्ती के लिहाज से कौन तुम्हारे करीब ترین हैं

सूर्य एटी टू पढ़िए पहले लिख लीजिए उसके बाद आपने फिफ्टी सेवन पढ़ी है उसके बाद पढ़िए या एटी फाइव है कि दोस्ती के, के लिहाज से कौन से करीब तरीन हैं लोग ठीक है और उसके बाद आप सूर्य अलहदीद उसकी सताइसवी आयत पढ़िए तो आप खुद दुआ कीजिए अब मैं इस पर कमेंट्स नहीं आज़े करना चाहूंगा लेकिन मैं कहना था इस बात क्यों नहीं आ रही है कि उधर के हकाफर भी हम हैं और लेग लोग भी हैं क्या हम इस बात का इंतजार करें ये खुदा से पूछें जो उसका कलाम है आपकी तालीम के मुताबिक तो मैं चूंकि इस लाइव शो में हूँ मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ आपको मैंने आयात दी हैं उन आयात की रोशनी में आप खुदा से दुआ कीजिए वो आप पर खोलेगा इस बात को अगर मैं को, कोई बात करूंगा तो वो लोग कहेंगे जी ये तो मसीही हैं ये ये बात है 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 वो है। तो मैं आपको दे रहा हूं आपकी किताब से सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए आपको इसकी समझ आ जाएगी बहुत आसानी के साथ आ जाएगी आपने फिफ्टी सेवन कही है उसके साथ सूरिसाइटी टू पढ़िए पहले उसके बाद ये दोनों आयात पढ़िए और फिर मैंने आपसे दरखास्त की है कि आप अल हदीद उसकी 27वीं आयत भी पढ़िए और उसके साथ अल इमरान पचपन आयत पढ़िए और फिर दुआ में झुक कर पूछिए और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ आप कहें खुदा रुहुल कुछ मेरी मदद कीजिए खुदा ताला मेरी मदद कीजिए मुझे समझाइए तो खुदा जो बात समझाएगा वो बेहतर है इंसानों के समझाने से तो बहुत शुक्रिया अब मैं आपको आपके सवाल के जवाब के तौर पर ये अल रहकीकुल अलरकीमखतूम ये किताब है ये देख लीजिए अल अलहकीक़ुलमखतूम किताब का नाम है और ये सीरत की कुतुब में नंबर एक किताब आई है इसके साथ मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि सीरत की कुतुब में हजूर अलैहि वसल्लम के दादा जब उन्होंने मन्नत मानी थी और वो जब उस मन्नत को पूरा करने के लिए कहां जाते हैं तमाम सीरतों की किताब में मौजूद है तो आप वो जरूर पढ़िए अल्लाह और यह के ताल्लुक से वो जरूर पढ़िए आपको और किताब मैं आपको दिखा रहा हूं अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं इसका जो अट्ठावन पेज है आप खुद पढ़ लीजिएगा ये अट्ठावन पेज पर आप देखिएगा कि आपको जो मरकज है उस वक्त मरकज इबादत तमाम कबाइ का वो कौन सा है यहाँ पर लिखा हुआ है अब मैं चाहूँगा कि आप खुद पढ़ें मैं इस प्रोग्राम में पढ़ना भी नहीं चाहता किताब आपकी है पढ़िए आप खुद ठीक है अब आगे अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए <coughs> यहाँ से सुनिए गौर से ये सफा नंबर इकसठ है अरब अपने बुतों के साथ साथ ये सब कुछ इस अकीदे के साथ करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर उनकी सिफारिश कर देंगे ठीक है ये मैं पढ़ रहा हूं आपकी किताब है अरब अपने बुतों के साथ ये सब कुछ इस अकीदे के साथ करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर उनकी सिफारिश कर देंगे अब ये किताब और जो कुतुब मैंने आपसे दरखास्त की है वो पढ़िए और फिर पहले तो अल्लाह के बारे में आप जानिए ना और इसके साथ सैयद कासम का जो इंसाइक्लोपीडिया है इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया उसमें लफ्ज़ अल्लाह पर पूरा उन, उन्होंने एक दो सफात लिखे हैं तो आप पहले वो पढ़ लीजिए कि कहाँ पर तस्वुर तो मौजूद था मेरा मकसद ये मेरा मकसद है कि वो कहता है कि बात बदलती नहीं हमारी बात बदलता क्यों हाँ जी वो आपकी किताबें अगर बदल जाती हैं तो आप तहकीक कीजिए ना मैं तो नहीं मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बदलती हैं आप तहकीक कीजिए मैं बताऊंगा तो फिर कुछ और हो जाएगा तो वो मैं चाहता नहीं ना मैं बताना मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं आप रेफरेंस से पढ़े छोटा हमें भेज दें तो आपको जी वो तो मुश्किल है आपके कुतुब हैं आप पाकिस्तान में रहते हैं हर जगह पर ये कुतुब मौजूद हैं पाकिस्तान में किसी से भी ले लें मैंने आपको बता भी दिया है आयात आपको दी हैं कुतुब मैंने आपको बताई हैं अब अल्लाह के बारे में पहले पढ़िए जब आपको अल्लाह के बारे में तस्वूर अल्लाह और इबादत जो खाना था उसके बारे में पहले इलम हो जाएगा ना फिर आप यह हवा के बारे में भी जान सकते हैं वरना एक बात जब आपको पता ही नहीं है पहली बात तो फिर ये ऐसे ही है कि आप अलफ आपने पढ़ा नहीं और आप कहते हैं जी बे हमें समझा दीजिए बे पढ़ा दीजिए तो ये ऐसे नहीं होता आप पहले अलफ पढ़े फिर बे पढ़े फिर आप जीम तक आएंगे तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया कोई और बात पहले ये पढ़ के फिर कॉल करें फिर आपके साथ बातचीत में मजा भी आएगा कि आपने किया है आप देखिए इबादत का मरकज तो हाँ जी बहुत शुक्रिया आप किताब ढूंढिए आपको मिल जाएगी कोई मुश्किल बात नहीं है भारे भारे बहुत शुक्रिया जनाब तो नाजरीन ये जरूरी है तलीमी और बातें हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई बात इस शो के वसीला से हो जाए ताकि ऐसी बात हो जिससे कोई शोर शराबा किया जाए और कहा जाए मसीही जो हैं वो किसी मजहब के खिलाफ रोपो कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात इस शो में तो नहीं होगी खुदावंद के फजल से ये शो मोहब्बत का है सीखने का है अगर कोई और शख्स करना चाहता है ऐसी बातें तो वो ज़रूर करे यूट्यूब है और दीगर जराए हैं जहां पर आसानी से आज का लोग वीडियो बनाकर डाल सकते हैं तो अगर किसी को ये शौक़ है बुलावा है तो वो ज़रूर करें ऐसी बातें लेकिन इस शो में ये तालीमी तदरीसी बातें सीखने वाले बातें मोहब्बत की रूह में हैं तो ये सु जब कह रहे हैं कि मैं आग लगाने आया हूँ तो इससे मुराद ये है कि जो ना और जो वो बातें जो खुदा के कलाम से मुतम हैं वो बातें उनकी जिंदगी से जो उस वक्त लोग हैं निकल जाए और यसु मसीह जब आए तो पहला वाज उनका यह था उस वक्त की सियासी हालत और उस वक्त की मजहबी हालत और उस वक्त की समाजी हालत जो थी वो गैर खुदाई हो चुकी थी और जब यसु मसीह आए तो उन्होंने कहा मैं आग लगाने आया हूँ तो वो आग का पहला पैगाम किया था मती की अंजील के चौथे बाब में फरमाते हैं तोबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है तोबा करो आसमान की बादशाह से मुराद के खुदा की अदालत खुदा के अहकाम अब करीब हैं कि खुदा इंसानों से पूछेगा कि मैंने तुम तक अपना कलाम पहुंचाया है तुमने उसके कई रंग बना लिए हैं कई तालीमत बना ली हैं अब ज़रूर है कि तुम खुदा के कलाम के ताबे हो जाओ अपनी ज़िंदगी को खालिज कर लो और मसीह ने यह भी फरमाया था कि जो कलाम मैंने तुमसे किया है ये कलाम तुम्हें पाक करता है और ये आसमानी बादशाह का दाखिला कैसे होगा खुदा की जिंदगी में कैसे इंसान रंग जाएगा मसीह ने फरमाया रा, हक और जिंदगी में हूं मैं वसीला बन के आया हूं और योहाना की अंजील के पहले बाब की बारवीं आयत में लिखा है तरीका बता, बताया गया है कैसे खुदा की बादशाख्त में दाखिल हो सकते हैं और फरमाया गया जितनों ने यस्ु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जान बनने का हक बख्शा कबूल कैसे किया जाता है रोमियो के खत में दसवें बाप की नौवीं आयत में मुसनफ ये लिखता है अगर तू जुबान से यीशु के खुदामंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा आसमान की बादशाहत में दाखिल हो जाएगा और खुदामंदु अल मसीह की तालीमा वाजे तौर पर अनाजील में मौजूद है कि हम यीशु को कबूल करने से आसमान की बादशाहत के शहरी बन जाते हैं यह है के मैं आग लगाने आया हूं कि तुम्हें खालिस करने आया हूं मेरे वसीला से जो कुर्बानी मैंने पर दी तुम्हारे लिए आसमान का दरवाजा खुल गया मैंने तुम्हारे गुना अपने ऊपर उठा लिए जब पर आपने फरमाया तमाम हुआ तो यह है मराद के लोग खुदा की पाकिजगी को हासिल करके आसमान की बादशाहत के वारिस बन जाए ये मकसद था खुदाम येसु अलमसी की सारी तालीम का उनका इस जमीन पर आना खुदा के कलाम के रंग में लोगों को रंगना है और वो यही कह रहे हैं काश ये आग लग चुकी होती कलाम के मुताबिक लोग अपनी जिंदगियों को ढाल चुके होते आज भी वो यही चाहता है मौत हर तरफ अपने पांव और हाथ फैलाए हुए हैं यीशु मसीह जिंदगी के लिए बुला रहा है फैसला हमारा है अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इजाजत चाहते हैं डॉक्टर दानियाल